हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवराज रसोई। आज मैं बना रही हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। ये है नारियल एंड मिल्क पाउडर के मोदक, बट टेस्ट आएंगे एकदम मावा जैसे। बहुत ही इजी है बनाना और टेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए देख लेते कैसे बनते हैं ये मोदक। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे ले ली है 2 बिग साइज़ नारियल को, मैंने ग्रेट कर ली है। ऑलमोस्ट 500 ग्राम शुगर, 200 ग्राम्स मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में कोई शुगर ऐड नहीं है। थोड़ा सा केसर की धागे, येलो फूड कलर। 100 ग्राम्स कैशू, 1 बाउल मिल्क, करीब 500 ml मिल्क मैंने ली है। तो मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने पैन में दे रही हूँ ग्रेटेड कोकोनट। इसमें मैं ऐड कर दूँगी 300 ml मिल्क। और पूरा शुगर ऐड कर दूँगी, ऑलमोस्ट 500 ग्राम शुगर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लूँगी। करीब 10 मिनट तक मैं ऐसे इसको फ्राई करूँगी धीमे आंच पे, लो टू मीडियम में। दस छः सात मिनट मैंने फ्राई किए, देखिए ये थोड़ा सा सूखने लगी है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी कैशू। मैंने कैशू को थोड़ा सा छोटा छोटा टुकड़ों में ग्रेट कर ली है। और 2-4 मिनट फ्राई कर लूँगी। फिर मैं गैस बंद कर दूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। उसके बाद सारे मिश्रण को मिक्सर में लेके मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इसमें मिलाऊँगी थोड़ा सा मिल्क, तो ये पेस्ट अच्छे से बन जाएगी। देखिए स्मूथ पेस्ट मैंने बना ली है। अभी सेम पैन पे मैं वो मिश्रण को दे दूंगी जो मैंने मिक्सर में पेस्ट बना ली थी। सारे मिश्रण को देने के बाद इसको और 10 मिनट तक पकाऊंगी। अभी मैं थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम में कर रही हूँ और बार बार इसको भूनना है अच्छे से, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे। कॉन्स्टेंटली इसको हिल चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और जल जाएगी, रेड कलर आ जाएगी। अभी मैंने 10 मिनट फ्राई करने के बाद ऐड की है मिल्क पाउडर, इसको भी अच्छे से मिला के 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। देखिए 2-4 मिनट के बाद ये पूरा सूख गई है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो मैं एक बॉल बना के देख लूँगी कि ये बॉल हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है, मतलब ये रेडी है। तो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर। अच्छे से मिला लूँगी। देखिए ये पूरा येलो हो चुके हैं। अभी कलर पिंच ऑफ देना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दीजिएगा। अभी मैं इसमें इलायची को घूंट के पाउडर बना लूँगी।
और इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर। मैंने अभी गैस बंद कर दी है, इलायची पाउडर को मिला दूंगी अच्छे से। अभी मैं ले लूंगी एक मोदक मोल्ड, इसमें मैं थोड़ा सा घी ग्रीस कर लूंगी। अभी मैं इसको शेप दे दूंगी, देखिए ये मोल्ड में मैं दे दूंगी दो साइड में थोड़ा करके। दो तीन बनाने के बाद एक बार करके आप ग्रीस कर दीजिएगा घी, तो ये आराम से डीमोल्ड हो जाएगा, नहीं तो चिपकने का चांसेस रहेगा। अभी ऐसे प्रेस कर दूंगी और जितना एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल लूंगी यहाँ से, तो शेप पूरा प्रॉपर शेप में आ जाएगी। देखिए ये प्रॉपर शेप हो गए ये। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये रेसिपी पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कैसे लगा ये रेसिपी। अभी मैं थोड़ा सा इसमें केसर के धागे देके थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। देखिए हमारे नारियल विथ मिल्क पाउडर मोदक एकदम रेडी है। ये बढ़िया टेस्ट होते हैं, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और गणेश जी को भोग दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।